हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है और ये इतना ज़्यादा हेल्दी है कि आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स कभी भी बना सकते हो, या आप कभी इसे डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, वो प्रोटीन से भरा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और विटामिन्स है, तो इसे तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 1 कप मूंग की दाल, और यहाँ 1 कप से ही मैं बना रही हूँ और इसमें काफ़ी क्वांटिटी बन जाता है। तो उसमें पानी डालेंगे और अच्छे से दाल को धो लेंगे। दाल को 2 से 3 बार धोएंगे पानी डालकर, क्योंकि इसमें थोड़े से पाउडर लगे होते हैं, तो अच्छे से उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ दाल मेरा धुलकर रेडी है। अब इसमें डालेंगे पानी और इसे भिगो के रख देंगे। तो यहाँ मैंने 3 घंटों के लिए इसे भिगोया था। काफ़ी अच्छे से फूल जाती है, साइज़ में डबल हो जाती है, आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे 3 घंटे के लिए भिगोया था। उसके बाद जब मैंने इसे देखा तो काफी अच्छे से फूल गई थी। ये देखिए, दाल जो है बिल्कुल एकदम साइज में डबल हो गई है, तो अच्छे से ये फूल गई है। और इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे और लेंगे अब एक मिक्सर जार, और उसमें ये दाल डालकर अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो दाल को यहाँ पे डालने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था ना, 1 टेबल स्पून के जितना, 2 टेबल स्पून, बस उतने ही पानी से हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमारा जो दाल है वो बनकर रेडी है। तो अब डालते हैं इसे मिक्सिंग बोल में, और बाकी का जो बचा हुआ दाल है उसे भी हम इस तरह से ही पीस लेंगे। तो जो मूंग की दाल होती है ना, बहुत इजीली पीस जाती है, इसमें पानी वानी डालने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें जो दाल में बचा हुआ नीचे पानी था ना, 2 टेबल स्पून के जितना रहा होगा, बस उतने से ही मैंने इसे पीस लिया है। काफ़ी थिक होना चाहिए तो इसका बैटर अच्छा बनता है। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ कैबेज, कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। उसके बाद हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, उसे भी बारीक कट करके ही डालें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, और कलर के लिए यहाँ मैंने डाला है 1/2 टीस्पून के जितना हल्दी, और उसके बाद 1/4 टीस्पून के जितना हींग डाला है। तो ये हल्दी ऑप्शनल है, इसे सिर्फ इसलिए डाला है कि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ वेजिटेबल्स में, अगर आपको जो भी नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर सकते हैं, कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं जैसे हरी मटर अगर सीजन है तो आप उसे भी बॉईल करके डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपको जो भी वेजिटेबल्स चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा लेंगे, 1 टीस्पून पानी डालकर एक्टिवेट करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ओवर मिक्सिंग नहीं करना है। और बस अब यहाँ पे मैंने लिया है पैन, उसमें डाला है 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल, और उसके बाद जो बैटर हमने बनाया है ना, यहाँ पे डालेंगे 4 बड़े चमचे यहाँ पे डाल देंगे। मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा है, अगर छोटा पैन हो तो आप उसे थोड़ा थिक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये थिक भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, नहीं तो जब उसे पलटेंगे तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, लेकिन जब भी आप इसे बनाएं थोड़ा थिक ही बनाएं। और उसके ऊपर गार्निशिंग किया है, यहाँ पे मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइसेस काटे हैं गाजर और बीटरूट के, जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और उसके ऊपर डाल देंगे धनिया की कटी हुई पत्ती, और बहुत ज़्यादा इससे दिखने में अच्छा लगता है। हल्के हाथों से इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए, और बस इसे ढककर यहाँ पे हमें 5 मिनट तक कुक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है। और ये काफ़ी अच्छे से पक जाता है, आप यहाँ ध्यान रखें हाई फ्लेम ना रखें। और एक साइड जब अच्छे से पक जाए और ऊपर से इस तरह से ड्राई हो जाए, तो ऑयल डालेंगे उसके ऊपर और इस तरह से स्पैचुला से पलट देंगे। अगर बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है और बड़ा होता है, तो उसे पलटने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। बट अगर आपका पैन छोटा हो तो आप इसे थोड़ा थिक ही बनाएं। तो उसके बाद दूसरे साइड यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है, और उसके बाद ढक्कन हटाकर दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने पका लिया है मीडियम फ्लेम पे ही। ये देखिए, एक हमारा बनकर रेडी है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसी तरह मैंने 2 और बना लिए थे। तो ये 1 कप मूंग से इतना सारा नाश्ता यहाँ बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए तीसरा वाला, जिसमें बैटर थोड़ा कम था, तो ये काफ़ी छोटा बना है, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो यहाँ पे हमारे जो बनकर, इसे आप मूंगलेट भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे ये मूंगलेट हमारे बनकर रेडी हैं।
इसे प्लेटिंग करते हैं तो ये देखिए हमारे जो तीनों मूंगलेट है ये बनकर रेडी है। एक कप मूंग से इतना सारा नाश्ता बनकर रेडी है और ये बहुत जल्दी और फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वेजिटेबल्स है तो इसमें फाइबर है और विटामिन्स है, साथ ही मूंग में इतना ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है तो ये है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी। आप रोटी सब्जी जब भी आपका मन ना करे बनाने का, दाल रोटी सब्जी, तो आप इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। ये अपने आपके पूरे मील को कम्प्लीट कर देता है और ये बहुत ही कम तेल में बना हुआ है तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये बेस्ट रेसिपी है आपके ब्रेकफास्ट के लिए, आपके डिनर के लिए, क्योंकि बहुत कम तेल में बना है और इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चों के लंच बॉक्स में हो, जब आप के बच्चे वेजिस नहीं खाते, दाल नहीं खाते, बट इस तरह का अगर नाश्ता आप उन्हें बनाकर देते हैं ना तो बड़े प्यार से वो खाते हैं। तो इस तरह से आप भी बच्चों को आप वेजिटेबल्स और दाल खिला सकते हैं। तो इसे मैंने सर्व किया है हरी चटनी के साथ, आप चाहे तो इसे टमाटो सॉस के लिए साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। दही के साथ भी बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है और इतनी हेल्दी रेसिपी है कि आपको मैं क्या ये बोलूँ। अगर आप वेट लॉस में इसे यूज़ किए तो आपका वेट तो फटाफट से कम हो जाएगा और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इस रेसिपी को तो ट्राई करना बनता है। तो आज की जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, आपका एक कॉमेंट मुझे इनकरेज करता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलती हूँ इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।